आपने बेटा इनहेरेंट रिस्क जो है वो पहले पढ़ा था। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? वो रिस्क होता है जो कि एक प्रोसेस में जो है वो हर वक्त रहता है, जिसने प्रोसेस का जो हिस्सा होता है, जिसने होना ही होना होता है, ठीक है। तो ये जो है इनहेरेंट नहीं है, ये लॉस जो है इनहेरेंट नहीं, मतलब प्रोडक्शन में वो शामिल नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इसको करवा लें या ना करवाएं, ठीक है। इंस्टेड इट इज ऑन अकाउंट ऑफ सम एक्सीडेंट और केयरलेसनेस। ये जो है वो इनहेरेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो है किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है या केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है। द रीजन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड डिफेक्टिव मटेरियल और पुअर वर्कमैनशिप, मशीन ब्रेकडाउन और सम अदर कंटिजेंसी। जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी जो है ना रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, कि कोई मटेरियल आपका पीछे से जो आया है जिस पे आपने फर्दर काम करना है वो डिफेक्टिव निकला है आपका, ठीक है, आपने सही तरीके से परचेज नहीं किया। पुअर वर्कमैनशिप, जो आपके वर्कर्स हैं वो उनके अंदर वो अबिलिटीज नहीं है, ठीक है, जो उस जो है मटेरियल को हैंडल कर सके या चीजों को जो है प्रोसेस को जो है वो हैंडल कर सके। मशीन आपकी जो है वो बार बार खराब हो रही है, इन वजह से जो है ना आपको नॉर्मल लॉस जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारा जो है वो नॉर्मल लॉस का हिस्सा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन एफिशिएंसीज है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। इट इज इम्प्रॉपर टू ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको जो है ना प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना जो है ना वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी डेफिशिएंसी है ना। सपोज दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों एक चीज बना रहे हैं। एक बंदे के पास जो है वो जो वर्कर्स हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है, या वो मटेरियल जो है वो बड़े ध्यान से नहीं लेता, वो ऐसे रफ मटेरियल किसी को बोल देते आ जाता है, और एक बंदा बड़े ध्यान से हर चीज को ले रहा है, डील कर रहा है। तो अगर हम इसको नॉर्मल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बना दें, तो जो कंपनी ए है उसकी प्रोडक्ट बढ़ जानी है, क्योंकि वहां पे जो है लॉसेस ज्यादा होने हैं, और कंपनी बी की जो है प्रोडक्ट उसके लॉस जो है वो कम होने हैं, तो इस वजह से वहां पे जो है वो प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस जो है वो कम हो जानी है। तो इस तरह से क्या होगा, एक सेम प्रोडक्ट दो कंपनीज बना रही हैं, तो एक की प्राइस ज्यादा होगी और एक की प्राइस कम होगी, और फर्दर जो है आगे उसको सेल करने में मसला होगा। लोग कहेंगे यार ये चीज इतने में मिल रही है, मुझे दूसरा कहेगा नहीं मुझे इतने में मिल रही है, तो इशू जो है ना वो ऐसे एज इट इज ही रहेगा। इसलिए वो कहता है एबनॉर्मल लॉस जो है ना बेटा वो आपका इशू है, ठीक है, तो इसे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल ना करें, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज सेपरेट अनफेवरेबल आइटम। जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है उसको आपने सेपरेट एबनॉर्मल आइटम जो है वो ट्रीट करना है, उसको जो है आपने यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा जो है बेटा वो नहीं बनाना, उसको आपने सेपरेट डील करना है, ठीक है, और इसको सेपरेट ही आपने जो एक्सपेंस ट्रीट करके सेपरेट ही जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा जो है वो चार्ज किया करना है। जी तो हम अब इसकी जो है वो वर्किंग करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, जो सीपीआर रिपोर्ट है उसमें वो हम सीखेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या उसमें एडिशन होगा। बाकी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन हमारे पास जो एक नई चीज आई है सीखने वाली, वो ये है कि अब हमारे पास जो है एबनॉर्मल लॉस जो है उसका भी ट्रीटमेंट जो है हम देखा करेंगे, उसको भी जो है हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। बाकी चीजें जो है हमारी वो सेम रहेंगी। तो इस हवाले से क्वेश्चंस कर लेते हैं कोई। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेटा जो है अप्रैल में डिपार्टमेंट वन में जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है 45,000 यूनिट्स। कॉस्ट जो है डिपार्टमेंट में ऐड की गई है वो मटेरियल की ये है, लेबर की ये है, और एफएच की ये है। कोई जो है ओपनिंग इन्वेंटरी, बिगिनिंग इन्वेंटरी नहीं है वर्क इन प्रोसेस की। 45,000 यूनिट्स जो है वो इन किए गए हैं, जिनमें से 37,500 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट होके डिपार्टमेंट टू को ट्रांसफर कर दिए हैं। बाकी 6,750 यूनिट्स जो हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हैं, और इसमें मटेरियल जो है वो 100% लग चुका है, ऑल मटेरियल मतलब 100% लग चुका है,
और बाकी डायरेक्ट लेबर और एफ एच जो है कन्वर्टेड कन्वर्जन कॉस्ट से निकला है, उसमें क्या होता है लेबर और एफ एच होता है, तो डायरेक्ट लेबर और एफ एच जो है बेटा वो 2/3 जो है वो उसके ऊपर हमने जो है वो लगा रखा है। और 750 यूनिट्स जो है वो लॉस हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है मटेरियल और लेबर और एफ एच जो है 1/2 जो है वो लगे हुए हैं। और उसके अलावा वो कहता है जो लॉस हुआ है कौन सा, ये 750 वाला, वो सारा ही एबनॉर्मल लॉस है और इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करते हैं, ठीक है। हमने क्या करनी है, सीपीआर रिपोर्ट जो है वो बनानी है। आप क्वेश्चन में देख लें कि क्या क्या चीजें हैं, ये आपके पास मटेरियल लेबर एफ एच की कॉस्ट है, उसने बता दिया आपको कि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, 45,000 यूनिट्स है, 37,500 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, 6,750 जो है इन प्रोसेस है, उसके ऊपर ये मटेरियल लगा हुआ है, ये लेबर लगी हुई है, एफ एच लगा हुआ है, 750 यूनिट जो है वो इन प्रोसेस है, उस पर लॉस में चले गए हैं, ठीक है, लॉस हो गया उनका, और उनके ऊपर जो है बेटा ये मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, और हमने क्या करना है इस लॉस को एज अ एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करना है और सीपीआर रिपोर्ट बनानी है। क्वेश्चन की समझ आई है? यस सर, आ गई जी। ये अगेन मैं क्वेश्चन शुरू करने लगा हूं, कितने यूनिट्स हमने बनाए हैं प्रोसेस में डाले हैं, 45,000, ठीक है, यूनिट्स जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए हैं वो कितने हैं, 37,500 यूनिट्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, जो प्रोसेस में हैं वो कितने हैं, 6,750, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमारे पास 100% लग चुका है, डायरेक्ट लेबर और एफर्ट जो है वो आई थिंक सो 2/3 लगे हुए हैं, 2/3 लगे हुए हैं, ठीक है, 6,750 है। अच्छा, अब हमारे पास लॉस हुआ है और हम नॉर्मल लॉस को तो नहीं लिखते, लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो के है उसको हम यहाँ पे अकाउंट फॉर करते हैं और उसको लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे लिखेंगे हम, नॉर्मल लॉस को भी लिखते हैं, वो मैंने थोड़ी वर्डिंग गलत यूज कर दी है, एबनॉर्मल लॉस जो है उसको हम लिखेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस के बारे में वो कहता है 750 यूनिट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर, SUJAWLHUSSAI, जी जी सर, ठीक, नहीं सर, ठीक है सर, कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा, तो इसमें जो है हमारे पास वो 750 है, उसके ऊपर जो है मटेरियल लेबर और एफ जो है सारे 1/2 लगे हुए हैं, और ये 750 यूनिट्स है हमारे पास, ये पूरे होते हैं 45,000, जी हो गए हैं, तो ये 45,000 जो है वो हमने लिख दिया। जी बेटा, ये हमने जो है क्वांटिटी स्केड्यूल जो है वो इसका बनाया है, किसी को इसमें कोई इशू है बेटा तो पूछ सकते हैं। अब मैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की बात करता हूं, तो इसमें हमारे पास देख लें कौन कौन सी कॉस्ट है, मटेरियल है, लेबर है और एफ एच है, तो ये लिख लेते हैं, ये सारी 1,16,025, लेबर जो है वो थी 1,27,125, एफ एच हमारे पास 84,750, ठीक है, तो यही कॉस्ट जो है डिपार्टमेंट ऐड कर रहा है जो कि है
327,900 और यही आपके पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर हो जाएगी क्योंकि हमारे पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं है। ये करने के बाद हम जो है आगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो यूनिट्स हमने बना लिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, डायरेक्ट मटेरियल उनमें जिनमें लग चुका है वो 37,500 है, ये तो सब में जो है बेटा वो सेम रहेंगे। बाकी जो हमारे पास यूनिट्स हैं 67,500 उसके ऊपर लेबर जो है वो 100% लगी है, सॉरी मटेरियल जो है 100% लगा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 67,500 ही रहेगा पूरा ही, क्योंकि इसके ऊपर जो है मटेरियल हमने 100% लगाया हुआ है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये जो है 67,500 इसके ऊपर जो है बेटा हमने जो है मटेरियल जो लगाया हुआ है वो कितने हैं, कितना है बेटा 2/3 4500 और इसके ऊपर भी 2/3 है तो ये भी 4500 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज हम जो पहले ऐड नहीं करते थे वो आप करनी है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है बेटा वो कितना है 750 यूनिट्स का है और इसके ऊपर जो मटेरियल लगा है वो कितना लगा है 1/2 लगा है, 375 और इन सब के ऊपर भी जो है बेटा वो 1/2 जो है वो लगा है, ये भी सेम ही होगा। उसके बाद हम आप टोटल कर लेते हैं तो दिस फिगर प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ये मेरे पास जो है वो जो डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स की जो है इक्विवेलेंट जो है वो आ रही है। सर एक बात समझ नहीं आई जी, पूछे सर इसे एबनॉर्मल लॉस को ऐड क्यों किया है, या तो सब्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए बेटा यूनिट, हम वो कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं निकाल रहे, हम यूनिट की कॉस्ट कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ और काम कर रहे हैं, हम टोटल यूनिट्स देख रहे हैं कि किन के ऊपर मटेरियल कितने किन के ऊपर लगाया। तो मटेरियल तो लगा है 44,625 यूनिट्स के ऊपर, वो अलग बात है कि लॉस हो चुका है, ठीक है। वो अभी वेट करें ना, उसके भी ट्रीटमेंट मैंने की नहीं है, नॉर्मल लॉस की कोई ट्रीटमेंट की नहीं है मैंने अभी, तो मैंने वो इक्विपमेंट प्रोडक्शन अकाउंट की है, उसके लिए आप वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूं अपनी सेकंड स्टेज की ऊपर, ये यूनिट कॉस्ट के ऊपर। तो ये मेरे पास जो है डायरेक्ट मटेरियल लेबर और FOH और आउटपुट मेरी जो है वो मैं निकाल लूंगा, मटेरियल लेबर और FOH ये लग रहे हैं, और यूनिट्स जो है वो ये लग रहे हैं, और मेरे पास जो पर यूनिट कॉस्ट है वो दिस माइन डिवाइडेड बाय दिस वन, ये पर यूनिट कॉस्ट जो है मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब मैंने एक और काम करना, ये टोटल जो कॉस्ट मेरे पास आती है, ठीक है, ये आ रही है मेरे पास 7.6, अब मैंने जब ये ऑफ नॉर्मल की वर्किंग करता हूं तो मैंने जो है यहाँ पे जो है कुछ इलाहदा काम करना है, वो मैंने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिखना है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये एक एडिशन हो जाएगा इसमें, उसमें मैंने जो है वो कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है एबनॉर्मल लॉस की। तो मैंने क्या करना है बेटा, मेरे जो वर्किंग है उस हिसाब से 750 यूनिट्स हैं, हाफ कंप्लीट है, ठीक है, 750 इसका जो है हाफ 1/2 ये कंप्लीट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट होगी वो कितनी है 2.6, ठीक है, तो ये 975 आ जाएगा, और इसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास
मटेरियल की जो है ना वो कॉस्ट अबनॉर्मल लॉस की। अब मैं लेबर की बात करूं, ठीक है, तो वो भी जो है बेटा उसमें जो फर्क आना है वो क्या आना है, जस्ट मेरे पास जो है वो ये 2.6 नहीं आना बल्कि ये कितना आना है, 3 आना है। मैं क्योंकि मेरे पास लेबर की कॉस्ट कितनी है वो 3 है, तो ये 11.25 आ जाएगा। उसके बाद एफ एच की बात करता हूं मैं, उसमें मेरे पास जो है बेटा 750 जो कॉस्ट आनी है वो कितनी आनी है, 2 आनी है पर यूनिट, 750 आ जाएगा। और ये टोटल जब इसका मैं करता हूं तो ये मेरे पास 2850 आता है। मुझे पता है कि मेरा मटेरियल इतना लॉस हुआ है एबनॉर्मल, लेबर इतनी हुई है, एफ एच इतना हुआ, ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास एफ एच जो आया है वो आ रहा है। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ सेकेंड वर्किंग में, इसमें मैंने ये चीजें कैलकुलेट की हैं वो मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे जाके जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो है वो बात समझ में आती है और इसका ये भी जो है ये आंसर आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे जो है इसको हमने अकाउंट फार करना है, थर्ड और लास्ट वर्किंग है हमारी। इसमें जो है हमारे पास अब कितने यूनिट्स है बेटा, 37,500। और पर यूनिट कॉस्ट जो है हमारे पास वो कितनी है, 7.6। तो इसको जो है यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, तो ये मेरे पास जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखना है यहां पे एक और चीज मैंने लिखनी है, वो लिखनी है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। सर जी, ये ऊपर 37,500 को जब आपने जरब दिया है 7.6 के साथ, तो 2,88,750 आया है, बट यहाँ 2,85,000 आ रहे हैं। कहाँ पे 2,00,000? मैं अगर जरब दे रहा हूँ तो ये ऊपर सर 2,88,750। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट लिखा तो पहले ये तो लिखा दो मुझे, चार्ज फैक्ट्री मैं देखता हूँ कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल चार्ज टू। जी इसकी बात कर रहे हैं, हाँ ये 7.6 के साथ करना है, एक मिनट तो ये आ जाएगा 28,500। एक मिनट वेट कीजिएगा, 2,85,000।
जी तो ये 7.6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना था, पहले मेरे को 7.7 सब किया हुआ था, इस वजह से आपसे खराब आया, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद जो है, आवाज आ रही है बेटा आप सब तक? जी सर, आ रही सर, है। उसके बाद सर क्लास कैसा मिल रही है? जी बेटा, सर क्लास कब शुरू हुई है? बेटा आपकी क्लास नहीं है, क्लास आपकी 1 बजे शुरू होगी। देखिए और क्लास जी तो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो है वो हम पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे कितना है, 2850, 2850 है ना, तो हम इसलिए जो है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो है वो 2850 जो है बेटा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की जो वर्किंग है वो हमने करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल हमारा कितना लगा है, लेबर कितनी लगी है, फर्श कितने लगे हैं। तो वो जो है इक्विपमेंट प्रोडक्शन में जाता हूँ, तो मटेरियल जो है हमारा वो 6750 ही लगा था, वर्क इन प्रोसेस इतना था, उसके ऊपर जो है 100% हमने मटेरियल लगाया हुआ था, तो ये 6750 है, तो 6750 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये 100% हो जाएगा। और ये मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कितनी है पर यूनिट की, 2.6, तो ये 2.6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब मैं वो लिख लूंगा, 6750 मल्टीप्लाई बाय 2.6। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, अपने पास डायरेक्ट मटेरियल जो है वो लिख लिया। अब लेबर की बात करूँ तो लेबर पे जो मेरे पास जो वर्क इन प्रोसेस है वो कितना है, 4500 यूनिट्स है। कैसे है, 6750 का मैंने जो है 2/3 लिया, तो मेरे पास 4500 आता है, तो ये 4500 आ जाएगा। ठीक है, मैं ये सारी वर्किंग दोबारा नहीं करना चाह रहा, आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो ये मैं 4500 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, जो मेरे पास लेबर की कॉस्ट है 3 है जो के उसके साथ कर दिया। उसके बाद एफ वेज जो है उसकी कॉस्ट की बात करते हैं, तो वो भी जो है वो सेम है ऑलमोस्ट 4500 ही, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, इस लेबर का जो रेट, एफ वेज का जो रेट है जो है कि 2 मेरे पास, तो वो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इनका जो है वो टोटल कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 4,50,000, सॉरी 40,050। और इस तरह से इस सब की कॉस्ट को मैं जब ऐड करूंगा तो यहाँ पे 3,27,900 जो है वो आ जाएगा। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसमें हम जो है नॉर्मल लॉस को अलहदा देख रहे हैं, अलहदा ट्रीट कर रहे हैं कि ये नॉर्मल लॉस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल लॉस है, सॉरी अब नॉर्मल लॉस है, और इसको हम सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे पास जितने यूनिट्स होते थे हम उसको जो है कॉस्ट जितनी आती थी उसको इसी हिसाब से हम जो है वो क्या कहते हैं अकाउंट फॉर कर देते थे, लेकिन अब हमने जो है वो एक उसका एक हेड बनाया स्पेशली एबनॉर्मल लॉस का, और इसको जो है बाद में फैक्ट्री ओवरहेड को जो है ना वो चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें दो वर्किंग एडिशन आपने करनी है, एक ये वाली वर्किंग एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट की कैलकुलेशन के हवाले से, और एक वर्किंग आपने जो है ये वाली करनी है, दो वर्किंग करनी है एक्स्ट्रा। बाकी इस फिगर्स को जो है वो भूलिएगा नहीं, इनको आपने चेंज करना है, वो मैंने डायरेक्ट जो है वो कर दिया। कोई मसला है बेटा तो पूछें, ये हमने क्वेश्चन किया, ये हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट में किया, सेकंड डिपार्टमेंट में नहीं किया, फर्स्ट डिपार्टमेंट में किया। ठीक है, अब सेकंड डिपार्टमेंट में ये सेम क्वेश्चन जो है। अच्छा, एक तो और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीजें तो आपको जो है वो मैंने बताई हुई है, तो इस टॉपिक में आपसे जो है कोई भी वर्किंग जो है वो पूछी जा सकती है। जैसे कि अभी एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग मैंने करवाई है, तो आपको पूछ सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितनी है, आपको मटेरियल लेबर एफ एच की पर यूनिट कॉस्ट दे दूं मैं, और ये वाली पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, और आपको जो है वो वर्किंग एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स बता दूं, और आपने इस तरह से कैलकुलेट करनी होगी। इसी तरह से ये इक्विलेंट प्रोडक्शन के हवाले से मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है बेटा पर यूनिट कॉस्ट जो है जो हमने निकाली है, ठीक है, इसके हवाले से मैं पूछ सकता हूँ, इसमें इंडिविजुअल भी पूछ सकता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल की जो है पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। आपको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बता दूं, आपको एबनॉर्मल लॉस बता दूं, आपको जो है बाकी यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो बता दूं, और आपसे जो है वो डायरेक्ट पूछ लूं
वर्क इन प्रोसेस बता दूं और आपने कैलकुलेट करके बताना होगा कि कितनी आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ। ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा सर? एक मिनट के अंदर एक आपकी प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम 25 सेकंड आपको पता हो कि यूनिट्स आपके कंप्लीटेड इतने हैं, इन प्रोसेस इतने, इन प्रोसेस में मटेरियल इतना लगा हुआ है, उतनी परसेंटेज लेनी है। आपने कहा ये डेटा दूंगा, और उसके बाद जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी जो है ये क्वांटिटी स्केड्यूल के हवाले से, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो है इसको ये चीज बता दूं, ये चीज बता दूं, ये चीज मिस कर दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस अमाउंट होगी वो हमारी जो है, बाकी जो भी चीज नहीं अवेलेबल होगी वो होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने जो है उसको माइंड में रखना है। अब हम जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो कि एबनॉर्मल लॉस का सेकेंड डिपार्टमेंट होगा, उसमें हम जो है किस तरह से इसको डील करेंगे। तो उसमें जो है बेटा हमने चीजें सेम ही रखनी है, कुछ एडिशन नहीं करना, बस एक एडिशन करना है, वो ये करना है कि पिछले डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होगी उसको भी हमने एबनॉर्मल कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। सपोज अब जैसे ये हमने जो है स्टार्ट किया ना, मटेरियल इतना लगा 2.6, लेबर इतना, एफर्ज इतना 2, और ये लेबर 3 लगा, तो यहाँ पे हम ऊपर करेंगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ सेकेंड डिपार्टमेंट, ठीक है। उसमें जो है हमारे पास जो सपोज सेकेंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही है यहाँ पे 6 रुपए, यहाँ पे 6 रुपए आ रही है, तो उस 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 750 पे, तो हमारे पास वहां पे कॉस्ट का एडिशन आ जाएगा, और फिर ये जो कॉस्ट है उसको हम यूज करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ये चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। मजीद 750 पे जी, 750 पे जी, 750 के, 750 पे, क्योंकि 750 पे जो है उसकी तो पूरी कॉस्ट आई थी ना उस डिपार्टमेंट की, तो इसलिए हमने उसकी जो है कॉस्ट उस पर मल्टीप्लाई करना है। मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को जो है ना, अगले क्वेश्चन को जल्दी से करवा देता हूँ, उसमें कुछ चीजें मैं स्किप करता जाऊंगा। मेरे पास क्वेश्चन है 7 हो गया है, 8 हो गया है, ये 9 क्वेश्चन है सेकंड डिपार्टमेंट के हवाले से। इसमें हमारे पास जो है 50,000 यूनिट्स हैं, 12.5 की हमें रिसीव हो गए हैं, और 43,000 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 2,000 लॉस हो गया है, ठीक है, जिनके ऊपर 75% जो है वो लेबर लग चुकी थी, और बाकी जो है वो इन प्रोसेस है, ठीक है। तो मेरे पास जो वर्किंग आ रही है 43,000 और 2,000 और 5,000, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली है, आप जल्दी से मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे।